राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल भारती के पाठों पर आधारित कार्यक्रम। झांसी की रानी। घोड़े पर सवार एक बालक ने अपने पीछे घोड़े पर आती एक बालिका से कहा। उसके स्वर में चुनौती थी। अच्छा तो ये बात, छोड़ो घोड़ा चल। अपने घोड़े पर जमकर बैठते हुए बालिका ने चुनौती स्वीकार की। दोनों घोड़े हवा से बातें करने लगे। थोड़ी देर में ही बालिका ने अपने साथी को जा पकड़ा। बराबर आते हुए बोली, अब बोलो और देखो हिम्मत। हाँ? ये कहते कहते वो तेजी से आगे निकल गई। फिर तो उसने इतना तेज घोड़ा दौड़ाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी, घोड़ा और सवार नहीं। फिर भी बालक ने पीछा नहीं छोड़ा। पर इस प्रयत्न में उसका घोड़ा ठोकर खा गया और वो धम्म से नीचे जा गिरा। बालक चिल्लाया, मनु मैं मरा। अरे ये क्या? बालिका ने घोड़ा मोड़ दिया और वो बालक के पास जा पहुंची। फिर उसने बालक को उठाकर अपने घोड़े पर बैठाया और घर की ओर चल दी। रास्ते में बालक ने कहा, तुम तो घोड़े को बहुत तेज दौड़ाती हो मनु। तेज? तुमने क्यों कहा था? है हिम्मत तो निकलो आगे। अब बताओ मुझ में हिम्मत है या नहीं? बालिका ने हंसते हुए कहा, हाँ तुम में हिम्मत है और बहादुरी भी। बालक बोला, मनु बालक को घर ले आई। बिना सवार के घोड़े को आते देख सभी बहुत चिंतित थे। बालक को सकुशल देख सब बहुत खुश हुए। उन्होंने मनु की बहुत प्रशंसा की। जानते हो बच्चों, ये मनु कौन थी? ये थी मोरोपंत तांबे की बेटी, जो आगे चलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। और ये बालक था पेशवा बाजीराव का पुत्र नाना साहब। मनु नाना साहब की मुंहबोली बहन थी। मनु का जन्म वाराणसी में हुआ था। वो 3-4 वर्ष की ही थी कि उसकी माता का देहांत हो गया। इससे मोरोपंत बड़े दुखी हुए
और बेटी को लेकर पेशवा बाजीराव के पास बिठूर आ गए। पेशवा बाजीराव मनु को बहुत प्यार करते थे। उसकी सुंदरता को देखकर वे उसे छबीली कहा करते थे। बाजीराव ने अपने पुत्रों नाना साहब और राव साहब को घुड़सवारी सिखाने का प्रबंध किया, तो मनु कैसे पीछे रहती? वो भी उनके साथ घुड़सवारी करने का अभ्यास करती थी। और थोड़े दिनों में वो अच्छी घुड़सवार बन गई। नाना साहब और राव साहब के साथ मनु भी हथियार चलाना सीखने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने तलवार चलाना, भाला बरछा फेंकना और बंदूक से निशाना लगाना सीख लिया। वो तरह तरह के व्यायाम करती। कुश्ती और मलखंब तो उसके प्रिय व्यायाम थे। जब मनु सयानी हो गई तो उसका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया। झांसी में जाकर मनु रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। झांसी के राजमहलों में लक्ष्मीबाई को पहले तो ऐसा लगा कि वे बंधन में पड़ गई हैं, पर बाद में उन्होंने महलों में ही कुश्ती, मलखंब आदि व्यायाम करने और हथियार चलाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। उन्होंने स्त्रियों से कहा, तुम अपने को कमजोर मत समझो, खूब परिश्रम करो और शरीर को मजबूत बनाओ। वे दासियों को भी अपनी सहेली समझती थीं। सभी स्त्रियों पर उनका ऐसा जादू चढ़ा कि उनमें से बहुत सी व्यायाम करना और हथियार चलाना सीखने लगीं। लक्ष्मीबाई धार्मिक ग्रंथों को श्रद्धा पूर्वक पढ़ती थीं। वे दान पुण्य भी खूब करती थीं। जो भी कोई सहायता के लिए उनके पास आता वो उनके दरवाजे से निराश नहीं लौटता। रानी के इस व्यवहार से झांसी के लोग उन्हें बहुत चाहते थे। कुछ समय बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। झांसी में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ये बालक अभी 3 महीने का भी न हुआ था कि चल बसा। महाराज गंगाधर राव इस धक्के को सहन नहीं कर सके और बीमार पड़ गए। झांसी की गद्दी का वारिस न रहने पर अंग्रेज उसे हड़प जाएंगे, ये सोचकर महाराज ने अपने ही वंश के एक बालक को गोद ले लिया। बालक का नाम रखा गया दामोदर राव गंगाधर राव। इसके कुछ दिन बाद महाराज गंगाधर राव का देहांत हो गया। सारी झांसी में शोक के बादल छा गए। महाराज का देहांत होते ही
अंग्रेजों को झांसी पर अधिकार करने का अवसर मिल गया। उन्होंने महाराज द्वारा गोद लिए बालक को उनका वारिस स्वीकार नहीं किया और झांसी को अपने राज्य में मिला लिया। सन 1857 का वर्ष था। देश में जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था। कानपुर में विद्रोहियों का बड़ा जोर था। नाना साहब उनके नेता थे। कानपुर से विद्रोह की लहरें झांसी तक आ पहुंची। झांसी की छावनी के सिपाहियों ने अपने कुछ अंग्रेजी अफसरों को मार डाला। ये देख बचे खुचे अंग्रेजों ने अपने बाल बच्चों को रानी के पास भेज दिया। पर जब शहर में भी विद्रोह फैल गया तब वे अपने स्त्री बच्चों को लेकर किले में चले गए। विद्रोही सिपाहियों ने किला घेर लिया। तब अंग्रेजों ने किला छोड़ने का निश्चय कर लिया। जैसे ही वे बाहर आए सिपाही उन पर टूट पड़े और उन्हें मार डाला। महारानी को जब इस घटना का पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अब रानी ने झांसी का शासन संभाल लिया। लगभग 10 महीने तक रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी पर राज किया। अंग्रेजों के मन में ये बात बैठ गई कि रानी लक्ष्मीबाई विद्रोहियों से मिली हुई है। अतः उन्होंने एक अनुभवी सेनापति ह्यूरोज को झांसी पर आक्रमण करने भेजा। ह्यूरोज ने एक विशाल सेना लेकर झांसी पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों के इस आक्रमण से लक्ष्मीबाई घबराई नहीं। 2-4 दिनों में ही उन्होंने अंग्रेजों का सामना करने का प्रबंध कर लिया। उनकी प्रजा और सेना ने उनका पूरा पूरा साथ दिया। वो स्वयं घोड़े पर सवार होकर युद्ध की तैयारियों को देखती। झांसी की स्त्रियां भी अपनी रानी के साथ कमर कसकर अंग्रेजों का सामना करने के लिए तैयार हो गईं। भीषण युद्ध आरंभ हो गया। तोपों की मार से झांसी नगर का परकोटा जगह जगह टूटने लगा। रानी पूरे 12 दिन तक साहस के साथ उनका सामना करती रही। अंत में अंग्रेजी सेना झांसी में घुस पड़ी। उसने लूटपाट और मारकाट मचा दी। अब रानी ने किला छोड़ने का निश्चय कर लिया। उन्होंने बालक दामोदर राव को पीठ पर बांधा और अपने कुछ साहसी सैनिकों के साथ अंग्रेजी फौज को चीरती हुई किले से बाहर निकल गईं। अंग्रेज सैनिक उन्हें आश्चर्य से देखते रह गए। उनमें इतना साहस न था कि वे रानी को पकड़ सकें। झांसी से निकलकर रानी काल्पी पहुंची। काल्पी में राव साहब और तात्या टोपे एक बड़ी भारी सेना के साथ डेरा डाले हुए थे। रानी का पीछा करते हुए ह्यूरोज भी काल्पी पहुंचा। घमासान युद्ध हुआ। तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आए थे।
परंतु रानी यहां से भी बच निकली। अब राव साहब और रानी ग्वालियर की ओर चल दिए। तात्या टोपे ने पहले से ही ग्वालियर की फौज को अपनी ओर मिला लिया था, इसलिए साधारण सी लड़ाई के बाद उन्होंने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। किंतु ये लोग अभी सांस भी ना ले पाए थे कि हीरोज की फौज ने ग्वालियर को भी आ घेरा। दूसरे अंग्रेज सेना अधिकारी भी अपनी सेनाओं के साथ ग्वालियर आ पहुंचे। अब रानी ने समझ लिया कि ये मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई है। पहले दो दिन की लड़ाई में रानी का घोड़ा घायल हो गया था, इसलिए रानी को एक दूसरा घोड़ा लेना पड़ा। रानी शत्रुओं पर टूट पड़ी। राव साहब और तात्या टोपे दूसरे मोर्चों पर लड़ रहे थे। रानी चाहती थी कि सब मिलकर अंग्रेजों के मोर्चों को उखाड़ दें, इसलिए वे अंग्रेजी सेना को चीरती हुई आगे बढ़ी। घमासान लड़ाई हुई। रानी के साथी एक एक कर कटने लगे। रानी का घोड़ा उन्हें एक ओर ले भागा। पीछे पीछे रानी के खून के प्यासे अंग्रेज सैनिक थे। एक नाले पर जाकर रानी का घोड़ा अड़ गया। रानी ने बहुत प्रयत्न किया कि घोड़ा नाला पार कर जाए, पर वो ऐसा अड़ा कि आगे बढ़ने का नाम ही ना लिया। इतने में एक अंग्रेज सैनिक ने रानी को आ घेरा। उसने रानी के सिर पर वार किया। इससे रानी के सिर और एक आंख पर गहरी चोट आई। रानी के सेवक ने उस अंग्रेज सैनिक को एक ही वार में समाप्त कर दिया। तब तक रानी के अन्य सिपाही और सेवक भी वहां आ पहुंचे। रानी की ये दशा देख वे बहुत दुखी हुए। रानी ने उनसे कहा, देखना शत्रु मेरे शरीर को हाथ ना लगा पाए। रानी के सेवक उन्हें पास ही एक साधु की कुटी में ले गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इससे पहले कि अंग्रेज सैनिक वहां पहुंचते, साधु ने अपनी कुटी का घास फूस और लकड़ियां डालकर उनकी चिता में आग लगा दी।
इस प्रकार देश की स्वतंत्रता के लिए रानी ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ना तो रानी लक्ष्मीबाई के पास कोई बहुत बड़ी सेना थी और ना कोई बहुत बड़ा राज्य, फिर भी इस स्वतंत्रता संग्राम में जो वीरता उन्होंने दिखाई उसकी प्रशंसा उनके शत्रुओं ने भी की है। अपने बलिदान से रानी ने सिद्ध कर दिया कि समय पड़ने पर भारतीय नारी भी शत्रुओं के दांत खट्टे कर सकती है। ऐसी वीरांगनाओं से देश का मस्तक सदैव ऊंचा रहेगा। झांसी की रानी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, विषय संपादक सत्येंद्र वर्मा और लता पांडे, कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीरज शर्मा, नीतू झांझी, मिताली और गौरव, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।